डॉक्टर शर्मा ने संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों के कोरोना संबंधी उपचार के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी के तहत मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को स्टेट नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश से करीब 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना के मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को इसके लिए स्टेट नोडल ऑफिसर बनाया। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के लिए आज 13 मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें कोरोना मास्टर से जिसमें 3-4 मुद्दे रहेंगे। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरह से पीडियाट्रिक आइडेंटिफाई कैसे करें, ऑक्सीजन कैसे सैंपल कैसे वीनस ब्लड में सेंट्रल लाइन डाली जाए, साथ ही ऑक्सीजन मैनेजमेंट के विषय पर भी चर्चा की। विस्तृत चर्चा के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, सोसाइटी के अध्यक्ष और संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा शामिल हुए। इसमें पूरे प्रदेश से करीब 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। किस तरह से मतलब उनको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा जो छोटे बच्चे और महिलाओं को लेकर? तो वही जो आज जैसे हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में मास्टर्स ट्रेनर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसके पहले हम लोगों ने इंदौर के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, चोइथराम है, मेदांता है, इनके भी सब डॉक्टर्स को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ट्रेन कर दिया है। अब ये लोग अपने अस्पताल में जाके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उनको बताते हैं कि ऐसे लगाओ, फिर उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं। मेरे को डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर को स्टेट का नोडल ऑफिसर बनाया है ट्रेनिंग के लिए। तो आज 13 मेडिकल कॉलेज की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कोविड की मास्टर्स ट्रेनिंग, जिसमें 3-4 मुद्दे रहेंगे। एक तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ऑक्सीजन दिया जाए, कैसे उनके सैंपल्स लिए जाए, कैसे उनके वीनस ब्लड में सेंट्रल लाइन डाली जाए, प्लस ऑक्सीजन मैनेजमेंट के विषय पे भी चर्चा होगी। इसमें माननीय सांसद शंकर लालवानी साहब भी इनॉग्रल सेशन में थे, और हमारे माननीय डॉक्टर पवन शर्मा जो अध्यक्ष हैं हमारी सोसाइटी के, उन्होंने भी इनॉग्रल सेशन में भाग लिया। इसमें करीब 200 से ज़्यादा लोग पूरे मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।